पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर का 20 करोड़ की राशि किसी भी सूरत में सर का काट नहीं जाने दी जाएगी। ये बात पूर्व सैनिक निगम के पूर्व चेयरमैन कर्नल बीसी लखवाल ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। कर्नल लखवाल ने कहा कि एक्स सर्विसमैन निगम का पैसा पूर्व सैनिकों के हितों के लिए है, न कि भवन निर्माण के लिए। पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर का 20 करोड़ की राशि किसी भी सूरत में सर का काट नहीं जाने दी जाएगी। ये बात पूर्व सैनिक निगम के पूर्व चेयरमैन कर्नल बीसी लखवाल ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। कर्नल लखवाल ने कहा कि एक्स सर्विसमैन निगम का पैसा पूर्व सैनिकों के हितों के लिए है, न कि भवन निर्माण के लिए। उन्होंने कहा कि सर का काट क्षेत्र में सरकार सैनिकों की भर्ती की ट्रेनिंग के लिए एक अकेडमी खोलना चाहती है, जिसके भवन निर्माण के लिए हमीरपुर स्थित पूर्व सैनिक निगम से 20 करोड़ की राशि निकालकर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कर्नल लखवाल ने कहा कि सैनिकों की भर्ती के लिए ट्रेनिंग के लिए हमीरपुर के अमरेट गांव में 200 कनाल जमीन पर पहले से ही एक प्रोजेक्ट सरकार के विचाराधीन है। इस काम में स्क्वाडन लीडर ब्रिजलाल दीवान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार को इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाना चाहिए ताकि पूर्व सैनिकों के बच्चों को इसका लाभ मिलना शुरू हो। अमरेट में प्रोजेक्ट के लिए पहले से 200 कनाल जमीन मंजूर होने के बावजूद सरकार घाट में नई अकेडमी खोलने की सोच अत्यंत निराशापूर्ण है। कर्नल लखवाल ने कहा कि इससे पहले भी पूर्व सैनिक निगम का 1 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की कोशिश कर पूर्व सैनिकों के कल्याण के पैसे से अन्याय करने का प्रयास हुआ है। इस प्रयास का विरोध होने के बाद निरस्त कर दिया गया। कर्नल लखवाल के अनुसार अगर फिर से पूर्व सैनिकों के हितों से खिलवाड़ कर 20 करोड़ की राशि सरकार काट ले जाने के प्रयास हुए तो वे चुपचाप नहीं बैठेंगे और इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। फरमान जारी करने वाले हैं कि कॉरपोरेशन जो हमारा हमीरपुर में है, जिसका मैं पहले CMD रहा हूँ, उस कॉरपोरेशन से 20 करोड़ रुपया निकाल कर ये सरका घाट में कोई एक्स सर्विसमैन अकेडमी खोलना चाहते हैं। उस अकेडमी के लिए ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। कि मेरा मंत्री जी से यही अनुरोध है कि ये जो कॉरपोरेशन का पैसा है कोई बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन के काम के लिए नहीं है। ये पैसा है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए। हमने एक पहले ही इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। अमनेर गांव में जो स्क्वाडन लीडर बिजला धीमान जो आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने अपने गांव में लेकिन 200 कनाल जगह इस प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल कराई है। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है, बिल्डिंग तैयार होनी है, रोड बनना है, लेवल होना है, उससे हिमाचल सरकार से वो पैसा सेंक्शन करवाएं और हमारा जो कॉरपोरेशन है वो उसको रन करेगा। उसमें जो भी खर्चा आएगा डे टू डे रनिंग का वो कॉरपोरेशन उठाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन के ही बच्चे होंगे, उनके ही आश्रित होंगे। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।